धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक व महासचिव विख्यात कामगार नेता अभिजीत राणे के मार्गदर्शन में कामगार दिन व महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में भव्य कामगार सम्मेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सादगी व शालीनतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी व खासदार रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के अलावा राजनीतिक जगत के बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिल्म जगत से दिलीप सेन, अली खान के अलावा और भी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अवसर पर मौजूद रही। आध्यात्मिक जगत से परम पूज्य राधे माँ ने अभिजीत राणे को आशीर्वाद दिया तथा वहां उपस्थित सभी भक्तों को टी शर्ट प्रसाद के रूप में भेंट दी। अभिजीत राणे ने अपने सभी यूनियन पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी अपनी ऊर्जा का कामगार कल्याण व समाज हित में प्रयोग करें। आइए सुनते हैं अभिजीत राणे व परम पूज्य राधे माँ ने क्या कुछ कहा इस अवसर पर। हर साल हम बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र दिन मनाते हैं। धड़क कामगार यूनियन जो यूनियन है, उस यूनियन के लगभग मुंबई और महाराष्ट्र में 7.5 लाख वर्करों का नेतृत्व करने वाली एक प्रभावशाली यूनियन है और ये एक दिन होता है जो वर्करों के लिए प्रेरित होता है। ये कामगारों का दिन है, हम सब वर्कर्स एक साथ मिलकर इसका एक सत्यनारायण की पूजा और सब एक दूसरे को मिलते हैं, हम अच्छे तरीके से उसका एक सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत धूमधाम से हम ये दिन मनाते हैं। और बहुत से वर्कर्स जो मुंबई के आसपास के हैं, क्योंकि हम पूरे महाराष्ट्र में कार्यरत हैं, तो जो आसपास के वर्कर्स हैं वो आते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, हाथ पे काम करने वाले नाका कामगार हैं, माथाड़ी कामगार हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, ऐसे सब मिलकर हम ये दिन मनाते हैं। आचार संहिता की वजह से हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन देने की वजह से, हम कोड ऑफ कंडक्ट के कक्षा में आने की वजह से हमें इस प्रोग्राम को मनाते हुए बहुत से रिस्ट्रिक्शन आए, नहीं तो बहुत धूमधाम से बम्बई में धड़क धड़क चारों तरफ धड़क होता है। बट इस बार हम बहुत शिस्तपूर्वक पद्धति से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत लोग मजा कर रहे हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के सभी कामगारों को कामगार दिनों की शुभकामनाएं देता हूँ और महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के नामी खासदार जो पिछली बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए, सम्मान्य गोपाल शेट्टी जी जो कैंडिडेट थे, उनको भी हमने समर्थन दिया था। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है जो रिक्शा टैक्सी की जो समस्या है उसमें परमिट से रिलेटेड जो समस्या है, पासिंग से रिलेटेड जो समस्या है, आज हमारे जो पेपर्स आरटीओ ऑफिस में अलग अलग वजहों से जाती है। अभी मुंबई शहर में लगभग हमारे 900 से अधिक रिक्शा स्टैंड हैं, मगर जो प्रोसेस है, हम आरटीओ को जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो आरटीओ से वो ट्रैफिक में जाता है, ट्रैफिक से पुलिस में जाता है, पुलिस से महानगर पालिका में जाता है और उसको एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन स्टैंड का मिलता है। ये गए 1.5-2 साल से ये प्रक्रिया पूरी तरीके से स्लो है, इसको गोपाल शेट्टी जी ने हमें आश्वासित किया है कि उसको एक्सपर्टाइज करेंगे। दूसरी बात, ये पासिंग के लिए वो एक वन विंडो आउटसोर्सिंग एजेंसी अपॉइंट करने की भी उन्होंने बात की है। बहुत अलग अलग IHP कैंसिलेशन के इश्यूज होंगे, इंश्योरेंस के इश्यूज होंगे, डॉक्यूमेंट्स के RTO से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के इशू होंगे, अलग अलग विषयों पर जो भी हमारी चर्चा हुई है, सिर्फ गोपाल शेट्टी नहीं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान देवेंद्र जी फडणवीस ने रिक्शा वालों के लिए एक विशिष्ट महामंडल की का भी गठन करने वाले हैं और उनके लिए अलग अलग पेंशन स्कीम, अलग अलग मेरे ख्याल से अभी असंगठित कामगार का दर्जा भी रिक्शा वालों को दिया हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI की तरफ से हम सभी लोगों को एक अच्छा तोहफा मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। राधेमा जी, आप इधर ब्लेसिंग देना अभिजीत राणे जी को आए, आज कामगार दिवस है, कैसा लगा आपको इधर आकर के? अच्छा लगा, पर अभिजीत राणे अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। और माता जी आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर करीबन 500,000 लोगों की भीड़ लग गई है आपके आशीर्वाद के लिए, तो कितना आपको देख के कितना ऐसा अच्छा लग रहा है आपको, आपके चाहने वाले आज इधर सब है? अच्छा लग रहा है, मैं
सेवा करके बहुत खुश होती हूँ। गुरुवाणी में लिखा है तू सेवा कर संसार की कि ऊपर वाले की बंदगी कर और संसार की सेवा कर, तो मैं उस पर अमल करना चाहती हूँ। तू सेवा कर संसार की, कर बंदगी सृजनहार की, कि माला ना जप अपने श्वासों में उसको ध्यान कर, तो वो मैं करना चाहती हूँ और मैं सेवा करना चाहती हूँ। और अभिजीत के साथ मेरी आज भी ब्लेसिंग है और हमेशा ही रहेगी। जय करे कृपा बरसाने वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। राधे मां जी, एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे, आपसे इतना लोग प्रेम क्यों करते हैं और आपके लिए इतना श्रद्धा है, आपके आशीर्वाद में लोग आपसे हमेशा आते हैं, आप जिधर भीड़ हो जाती है, क्या ऐसा एक जादू या एक स्पेशल है आपके बारे में? ये राधे मां जी का प्यार है, उनकी सच्चाई है। अभिजीत सर, आपके द्वारा क्या बोलना चाहोगे आज माँ के लिए, साक्षात आए आशीर्वाद देने के लिए? परम जो देवी माँ हर साल 1 मई को हम सबको, हम सब वर्कर्स जो हाथ पर काम करते हैं, पेट के लिए काम करते हैं, सभी वर्कर्स को आशीर्वाद देने हर साल आती है। उनकी मुझ पर, अभिजीत राणे पर विशेष श्रद्धा है, मेरी उन पर विशेष श्रद्धा है और मैं भाग्यवान समझता हूँ कि देवी माँ हमेशा उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा है। और हम, मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख वर्कर जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज देवी माँ का उनको आशीर्वाद मिला है, उनके भी जीवन में तरक्की होगी, उनके भी जीवन में खुशहाली आएगी, ऐसा आशीर्वाद देवी माँ ने उनको दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग चीज़ों का वाटप हुआ, हमेशा देवी माँ ने लोगों को दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी लोग हैं जो देवी माँ से जुड़े हैं, जो हमारे यूनियन से जुड़े हैं, देवी के आशीर्वाद से उन सबका भला हो। धड़क कामगार यूनियन आर्य कॉलोनी में आज कामगार दिवस है। कम से कम आज से 10 से 12 साल हम लोग यूनियन में से जुटे हो गया। अभिजीत राणे, जब हम लोग ने 10-12 साल पहला यूनियन को स्थापना किया था, तो हम 10 से 12 जन से मिलकर किया था। आज हमारे पास 7-8 लाख लोग ने हमारे साथ में जुटे। आज कामगार दिवस है, आज हम कामगारों का दिन है, इसके लिए मैं सब पूरा महाराष्ट्र को, पूरा भारत को कामगार दिन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कामगार का जिसका भी कहीं छोटा मोटा बड़ा काम होता है, यहाँ काम होता है, कहीं भी कोई हो छोटा, हम लोग काम, हम लोग एक कर्मचारी हैं, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ। बोलते हमने आज साहब के साथ में कंधा मिला के धड़क कामगार ये उनको सपोर्ट किया। आज यहाँ देखो एकदम इतनी बड़ी भीड़ है, आज इतनी बड़ी जनता है, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन की तरफ से कामगार को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।